नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से है, जहां लोकायुक्त की टीम ने सीमांकन के बदले पीड़ित किसान से 3000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक मंडल नईगढ़ी के आरआई पंकज पॉल को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी पंकज द्विवेदी पिता रामयश द्विवेदी ग्राम पंचायत जिलहड़ी के ग्राम दुबगवा से जमीन के सीमांकन के लिए 4000 रुपयों की मांग की थी, जिसमें 7 जून को 1000 रुपया दिया जा चुका था। शेष 3000 रुपयों की राशि आरआई के निवास में देते हुए लोकायुक्त ने उन्हें धर दबोचा है। वहीं गौरतलब है कि नईगढ़ी में लगातार पिछले 2 महीनों के बीच में 4 बार लोकायुक्त की कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी 3 पटवारी घूसखोरी में रंगे हाथ ट्रेप हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करने वाला तहसील कार्यालय नईगढ़ी आए दिन रीवा जिले में अव्वल रहा है। इतना ही नहीं, नईगढ़ी तहसील में आरोपी पटवारियों की पदस्थापना भी नईगढ़ी तहसील में ही कराई गई है। ये बड़ा सवाल है, जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जिम्मेदार अमले पर भी अब सवाल उठना लाजमी है। फिर भी जब प्रशासन की नकेल ढीली हो जाती है, तो उस पर चाबुक लगाने के लिए लोकायुक्त के अधिकारियों ने कमर कस ली है, जो तारीफ के काबिल है। विराट 24 के लिए नईगढ़ी से नसीम खान के साथ सुभाष पटेल की रिपोर्ट। आज की कार्रवाई का सर क्या मामला है? पंकज पाल को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। आवेदक प्रकाश द्विवेदी का जमीन सीमांकन का मामला अप्रैल से पेंडिंग था। इसको करने के वजह में आरआई द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। कितनी राशि की मांग की गई थी? 4000 की। 1000 पहले ले लिए थे, अभी 3000 लेते आज रंगे हाथ को पकड़ा गया। इस रिश्वत की राशि में सर आरआई और पटवारी दोनों संबंधित थे या आरआई में? अब तो विवेचना का मैटर है, अनुसंधान के बाद क्लियर होगा कौन कौन शामिल थे। बाकी प्रक्रिया आगे चल रही है? बाकी प्रक्रिया लिखा पढ़ी चल रही है। 3-4 घंटे तक तो कार्रवाई चलेगी, उसके बाद।